गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ तनवीर अहमद और वेलकम यू ऑल फॉर टुडे ऑनलाइन लर्निंग क्लास। इन दिस पार्ट वी विल कवर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेट मी स्टार्ट। इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज्ड आर आदर कार्बन और इट्स कंपाउंड, जो कि आपके क्या होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ही प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। मतलब फ्यूल यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, उसके केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। स्पेशल फर्स्ट स्टडी कंबशन। तो एज यू नो दैट कंबशन मींस व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड कंबशन कहलाती है। कार्बन इज ऑल एलोट्रोप्स फॉर्म, जितने भी कार्बन होते हैं वो एलोट्रोप्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। एलोट्रोप्स मैंने बताया था, डायमंड, ग्रेफाइट और आपका बल्क मिस्टर फुलरिन, तीन तरह के थे ना एलोट्रोप्स। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बर्निंग इन द ऑक्सीजन टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो जितने मैक्सिमम कंपाउंड देखो कार्बन के, तो कार्बन के क्या होते हैं कि उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है ये चीज़ की कि वो हीट और लाइट को क्या करते हैं, लिबरेट करती हैं, और साथ साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिबरेट करती हैं। दिस आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच यू लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपने पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा होगा। हुआ क्या इसमें सबसे पहले रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें कार्बन की बर्निंग हो रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। सेकंड में मीथेन प्लस ऑक्सीजन है, तो मीथेन को बर्निंग कराया गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है अवेलेबल, तो वाटर भी लिबरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड हीट एंड लाइट आल्सो लिबरेटेड। साथ साथ आपके मिथेनॉल है, मिथेनॉल को अगर जैसे भी हीट, सॉरी इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल को हीट करो, मतलब वो भी कार क्या एक लिक्विड है, फ्यूल है, ठीक है, इनको भी अगर बर्न कराई जाए तो क्या निकलती है, CO2 प्लस आपका वाटर प्लस हीट एंड लाइट निकलेंगी। बैलेंस द लैटर टू रिएक्शन लाइक लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी मैंने बैलेंसिंग आपको समझा रखी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एक्टिविटी 4.3 में देखता हूँ क्या करने को कहा जा रहा है। 4.3 में जब देखेंगे तो क्या दिखा है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, जो कि टीचर के असिस्टेंट के अकॉर्डिंग ही आप इसे करेंगे। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स नेप्थेलिन कैम्फर अल्कोहल वन बाई वन ऑन ए स्पैचुला एंड बर्न देम। मतलब नेप्थेलिन को बोला जा रहा है, कैम्फर और अल्कोहल को बोला जा रहा है कि इसको एक सैंपल उसको स्पैचुला के जरिए ले, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ अ फ्लेम एंड नोट विद अ स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। पहले तो आपको उसके फ्लेम के नेचर को देखना है, मतलब जो भी फ्लेम जनरेट होंगी उनका किस तरह से कलर होगा, नेचर क्या होगा उनका, ठीक है ना। साथ साथ में क्या वो फ्लेम स्मोक प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही। प्लेस ए मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, जो कि फ्लेम के ऊपर एक मेटल प्लेट रखे। इज देयर इन द डिपोजिशन ऑफ अ प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, क्या ऊपर में कुछ डिपोजिशन हो रही है, ठीक है। उसके 4.4 में देखता हूँ, लाइट ए बर्नसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफ्यूज टाइप ऑफ फ्लेम प्रेजेंट ऑफ द स्मोक, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें फ्लेम प्रेजेंट ऑफ द स्मोक। व्हेन यू गेट अ येलो सूदी फ्लेम, व्हेन यू गेट अ ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो वो कब कब देती है मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि फ्लेम जो भी बर्निंग होती है बर्नसन बर्नर में, देखोगे एक ब्लू फ्लेम होती हैं, एक होती है रेड फ्लेम होती है। तो रेड फ्लेम कब बनेंगे, जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होंगे, सॉरी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू आपकी ऑक्सीजन। और साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूँ ब्लू फ्लेम की, तो ब्लू फ्लेम में क्या होता है कि जो मेरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बर्निंग के लिए वो मिलती है, तो हम लोग को ब्लू फ्लेम, देयर इज़ नो एनी स्मोक प्रोड्यूस ओवर देयर। अब यहाँ पे आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली give a clean flame, while the unsaturated carbon compound will give a yellow flame with a lot of black smoke। मतलब जितने भी unsaturated hydrocarbon होते हैं वो आपका क्या कहें स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन unsaturated compound में क्या होती है वो कभी भी
स्मोक नहीं प्रोड्यूस होती, जो उनका जो फ्लेम होता है काफ़ी क्लियर होता है। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड की, जैसे सैचुरेशन की बात करूँ सैचुरेटेड का, तो आपका बेस्ट घर में एग्जांपल है आपका एलपीजी गैस, वो भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आप पॉलीथीन को जलाओ तो उसमें क्या होती है, फ्लेम भी निकलती है और स्मेल भी बहुत ही सफोकेटिंग स्मेल होती है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उनकी बर्निंग में काफ़ी ज़्यादा आपको येलो फ्लेम निकलेंगे और साथ साथ में उसमें ब्लैक स्मोक भी निकलती है। दिस रिजल्ट इन द सूथिंग डिपॉजिट टू द मेटल प्लेट इज एक्टिवेटिंग 4.3 हावर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव सूडिंग फ्लेम। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो कि अगर कोई भी अगर ये हो रहा है आपका बर्निंग हो रही है, ठीक है, बर्निंग के दौरान क्या हुआ कि आप देखोगे अगर वो कंप्लीट कम्बशन नहीं होगा सही से, तो होगा क्या कि इसमें कार्बन की डिपोजिशन मेटल प्लेट में होने लगती है ब्लैक, ठीक है, तो वो दिखाती है कि इनकम्प्लीट कम्बशन को बताता है, ठीक है। द गैस केरोसिन स्टोव यूज एज ए होम हैज़ ए इनलेट फॉर एयर सो दैट इट इज़ सफिशेंट ऑक्सीजन रेज्ड मिक्सचर इज बर्न टू गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। तो स्टोव जो घर पे यूज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं पंपिंग करके, ठीक है ना, तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑयल से जब मिक्स होती हैं, ठीक है, तो एक मिक्सचर बनाती हैं, वो मिक्सचर क्या करती हैं आपको फ्लेम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मतलब उनको ब्लू फ्लेम का फॉर्मेशन में काफ़ी वो पार्टिसिपेट करती हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैक एंड इट मीन्स दैट द एयर होल आर ब्लॉक्ड एंड द फ्यूल इज गेटिंग वॉस्ट, मतलब कि एयर होल जो था वो ब्लॉक हो चुका है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो अनबर्न कार्बन क्या हो रही है वो आपके प्लेट में डिपॉजिट होती जा रही है। इट मीन्स द एयर होल ब्लॉक्ड एंड द फ्यूल इज गेट वॉस्ट फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। तो फ्यूल जितने भी होते हैं उसमें कुछ अमाउंट में मतलब कि लिटिल अमाउंट में क्या होती हैं सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होती हैं। देयर कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, जो कि इनके जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन करते हैं गैस का जिनका नाम है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करती हैं फर्दर वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो इस इंडेक्स के में जो थोड़ा पढ़ लिया उसको समझते हैं। डू यू नो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आदर ए कोल और ए वुड फायर, इफ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न। यू हैव सीन अबव द कैंडल ऑफ एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न विद ए फ्लेम, हाउएवर यू विल ऑब्जर्व द कोल एंड चारकोल इन ए अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड give out heat without a flame. This is because of flame is only produced when the gaseous substance burns. When wood and charcoal is ignited, the volatile substance present vapor and burn with a flame in the beginning. कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक एलपीजी को लो और एक वुड और चारकोल को लो, उनका डिफरेंसेस बताया जा रहा है बर्निंग का। जब जैसे आप बर्निंग कराओगे तो क्या होगा कि गैसेज में क्या होती है कि फ्लेम का प्रोडक्शन होती है, लेकिन हाँ चारकोल वगैरह में या कोल वगैरह में होती फ्लेम की प्रोडक्शन नहीं होती। फ्लेम स्टार्टिंग में होगा, क्यों होगा, क्योंकि उनके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस जो कि बर्निंग मतलब बर्निंग की प्रॉपर्टी रखती हैं, तो वो क्या करेंगे फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, फिर फर्दर वो फ्लेम बंद हो जाएंगे, फिर वो सिर्फ हीट देंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वेपर का प्रोडक्शन होगा मतलब वेपर का इवोल्यूशन होगा वहाँ पे क्या होगा आपका प्रोडक्शन होगा फ्लेम का, ठीक है। एल्यूमिनस फ्लेम इज इवन सीन व्हेन द एटम ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड दे स्टार्टेड टू ग्लो, मतलब एक ल्यूमिनस फ्लेम मतलब काफ़ी चमकता हुआ फ्लेम आपको दिखेगा किसमें, गैसियस सब्सटेंस को जब बर्न कराओगे। द कलर प्रोड्यूसेस बाय द ईच एलिमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, जो कि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ फ्लेम प्रोडक्शन। अदर अदर एलिमेंट्स के आइटम्स को बर्न कराओगे तो उसके अलग अलग फ्लेम का प्रोडक्शन होती है। ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर विद ए flame of a gas stove and observe it color. When you see that an incomplete combustion gives soot which is carbon, जो कि क्या होता है कि एक मेटल के सरफेस पे डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती हैं
जो कि ये बताती हैं आपको कि वो बताती हैं आपको कि कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है. ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम. तो दीज आर द टॉपिक्स विच टुडे आई हैव डिस्कस. आई होप rest of the talk we will discuss in the next class. Thank you. Have a marvelous day.